अगर कुछ दांव पर रख दें सफ़र आसान होगा क्या, मगर जो दांव पर रखेंगे वो ईमान होगा क्या। मगर ये बात दुनिया की समझ में क्यों नहीं आती, अगर गुल ही नहीं होंगे तो फिर गुलदान होगा क्या, फिर गुलदान होगा क्या। कोरोना के इस भीषण महामारी में जब चारों तरफ से निराशा भरी खबरें आ रही हैं, वैसे में कुछ ऐसी पहल के बारे में जानकर दिल को सुकून मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई तो है जो आपकी फिक्र करता है, आपके कष्टों को समझकर उसे उबारने के लिए हाथ बढ़ाता है। कोरोना काल की भयावह महामारी के संकट दौर में रेलवे के कर्मचारी व परिवार सदस्य जनों ने भी समय समय पर लोगों की मदद करने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें एक वक्त ऐसा आया कि जब रोज की मजदूरी करने वाले एक समय के भोजन के लिए परेशान हो गए, उस समय बेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कोटा मंडल के मंडल यूथ विंग के अध्यक्ष अजय त्रिवेदी ने प्रत्येक व्यक्ति को सूखा अन्न, चावल, दाल, तेल, आटा, मसाले आदि वितरित किए, साथ ही पूरी सब्जी बनाकर भी वितरित किए। यूनियन के तत्वाधान में कोटा के माल गोदाम कोटा पर 500 मजदूरों को भी लगातार भोजन वितरित किया गया। पार्सल कार्यालय के मजदूरों को भोजन सामग्री प्रदान की गई। पटरी पार क्षेत्र में अधिकतर रेलवे परिवार रहते हैं, जहां कॉलोनियों में सैनिटाइज किया गया, बाजार क्षेत्र में भी सैनिटाइज किया गया। बाजार क्षेत्र व पटरी पार क्षेत्र के सभी मंदिरों में लगातार 11 दिन सैनिटाइज किया गया। वह मुक्तिधाम जहाँ रोज अधिकतर कोविड से पीड़ित का दाह संस्कार किया जा रहा है, उस क्षेत्र को भी अत्यावश्यक समझते हुए सैनिटाइज किया गया और मुक्तिधाम स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, जिससे गंदगी न हो, स्वच्छता बनी रहे। सैनिटाइज की चौराहे पर पेंटिंग्स की गई, जिससे लोग सतर्क व बीमारी से बचने में जागरूकता दिखाएं। मजदूर वर्ग के असहाय लोगों को मच्छरदानी वितरित की गई। समय समय पर हजारों लोगों को काढ़ा पिलाया गया व 2000 लोगों को मास्क वितरण किया गया। जिस पर वक्त फिदा होगा वह अंदाज जुदा होगा, जिस पर वक्त फिदा होगा वह अंदाज जुदा होगा, तन्हाई में सोचो वतन का कैसे फर ज्यादा होगा। इन्हीं चंद लाइनों के साथ आज कहता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि रेलवे से जुड़ी हर खबर आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, धन्यवाद।